तो भाई लिनक्स को अपने फोन में ट्राई करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी होंगी, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसके जरिए आप किसी भी फोन में, चाहे वो एंड्रॉइड हो, इवन आप iOS पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका फोन रूट होना भी जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई कर सकते हैं लिनक्स के, मतलब लिनक्स से काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। और अगर आपको लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप जानते होंगे लिनक्स कितनी ज्यादा कमाल की ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके यूजर्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम जिसके जरिए करेंगे उसका नाम है distrotest.net। ये एक वेबसाइट है और ये इतनी फाड़ वेबसाइट है ना, अभी आप देखोगे। हम ये वेबसाइट पर नहीं करने वाले, टेंशन मत लो, हम ये कोई ब्राउजर वगैरह में नहीं चलाएंगे, टेंशन मत लो। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होगा लेकिन आपके मज़े आ जाएंगे बिल्कुल। आपको देखने के बाद एक दो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल आपके सामने मैं आपको दिखाऊंगा। तो distrotest.net एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग वेबसाइट है। यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा, जैसे कि आप देखोगे 200 से ज़्यादा आपको लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएंगे। और तो यहाँ पे किसी भी लिनक्स को ट्राई करने के लिए, किसी भी डिस्ट्रो को ट्राई करने के लिए आपको करना क्या, आप उस डिस्ट्रो को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ सब ABCD से लेकर और 0 से 10 तक यहाँ पे सब ऊपर इंडेक्स दे रखा है। आप किसी पर भी क्लिक करोगे उस नाम से जितनी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगी वो सारी लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम Ubuntu को ट्राई करेंगे। Ubuntu काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। Ubuntu को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे उसके वर्जन देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे लेटेस्ट हम वर्जन ले लेते हैं, सबसे टॉप पे मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना होगा, मतलब कुछ सेकंड्स का वेट होता है कुछ टाइम तक। यहाँ पे अगर मेरा सर्वर यूसेज देखोगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा बार लिनक्स ट्राई कर लिया अपने पीसी में और मेरे फ़ोन में। इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करी, इसलिए मेरा ये बार है थोड़ा फुल हो चुका है। लेकिन आप शुरुआत में जब ट्राई करोगे आपका सब फुल नहीं मिलेगा, आपको कुछ सेकंड्स तक वेट करना। कुछ सेकंड्स के बाद तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पे IP दे रखी है और यहाँ पे सर्वर लिखा है, यहाँ पे एक IP होगी और उसके नीचे एक पोर्ट होगा। हम इसे यूज़ करेंगे VNC के जरिए। VNC क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, VNC भी और प्ले स्टोर में मिल जाएगी या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद जो यहाँ पे IP दे रखी है आपको तो ऐप में जाके प्लस आइकन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो एड्रेस में आपको ये IP लिखनी है। उसके बाद आपको ये पोर्ट देखना है, ये पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पोर्ट को आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद दोबारा अपने ऐप में जाइए VNC वाले, उसमें कोलन लगाइए। 2 डॉट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे पोर्ट डाल दीजिए। जैसे ही आप पोर्ट डालने के बाद इसे सेव कीजिए और जैसे आप कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमारा Ubuntu बूट होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यकीन मानो मेरा ये बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम करेगा। बस आप थोड़ा वेट करो और आप देखना। और इसके बाद आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ट्राई करके देखना एक बार, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि आप इतनी सारी डिस्ट्रोज आप ट्राई कर सकते हो तो क्यों ना। यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन भी आ चुकी है, यहाँ पे ट्राई का इंस्टॉल का ऑब्वियसली हम इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा सर्वर पे चल रहा है। तो यहाँ पे पूरे इंस्टॉलेशन को सबसे पहले मैं काटता हूँ। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो Ubuntu का लुक है बिल्कुल वैसा ही लुक है जैसा ओरिजिनली लुक होता है। ये सब कुछ एक सर्वर पे हो रहा है। ये जो वेबसाइट है इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, इन्होंने अपने सब कुछ ये सर्वर पर कर रखी है। एक इम्यूलेटर टाइप है। यहाँ पे अगर वेबसाइट पर जाके आप देखोगे तो इनने मेंशन कर रखा है कि ये सब कैसे यूज़ करते हैं, ये सब क्या क्या चीज़ें इनके पीछे यूज़ हो रही हैं। तो ये एक इम्यूलेटर पर रन हो रहा है और यहाँ पे ये एक तरीके से लाइव है। यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे वो परमानेंट चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप दोबारा इसको यूज़ करना चाहोगे तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ इंस्टॉल करते हो और आप सोचो कि आप दोबारा इसे खोलने के बाद दोबारा आपको कोई चीज़ इंस्टॉल मिले, तो ऐसा नहीं होगा। एकदम लाइव है, आप जो भी इस टाइम पे कर सकते हो वही होगा। और तो गाइस ये सिर्फ 30 मिनट तक चल सकता है और आप 15 मिनट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, मतलब 45 मिनट्स तक एक बार में यूज़ कर सकते हो। मतलब आप दोबारा चाहो तो दोबारा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार में आप 45 मिनट्स तक या 30 मिनट्स तक ईजिली यूज़ कर सकते हो। और इतना बहुत है किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो को ट्राई करने के लिए। बेसिकली ये ज़्यादातर जो वेबसाइट है टेस्टिंग के लिए, अगर आप किसी नई लिनक्स पर जाना चाह रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी का लुक अपने फ़ोन में भी लेना चाहते हो तो आप इससे ले सकते हो। देख रहे हो जैसे कि आप देखोगे अभी पूरी Ubuntu के जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे काम करें, चाहे वो टर्मिनल हो, फाइल मैनेजर हो। और अगर सेटिंग्स में जाके आप देख रहे हो कि यहाँ पर साफ साफ जो अबाउट में है वो यहाँ पर लिखा रहा है Ubuntu 19.4 जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी Ubuntu का, जो भी चल रहा है Ubuntu का लेटेस्ट वर्जन, वो यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। इसके जरिए आप कोई सी भी लिनक्स डिस्ट्रो ट्राई कर सकते हो, बस सब कुछ यही है। तो हम यहाँ पे एक और डिस्ट्रो ट्राई करेंगे जो कि हमारे खुद की इंडिया की लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे मालूम है, जिसका नाम है बॉस। वो भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है डिस्ट्रो टेस्ट पे। तो हम इसे भी एक बार ट्राई करेंगे। तो आपको सब कुछ वही प्रोसेस है, सब कुछ वही करना है। तो भाइयों देख लो, ये है कुछ हमारा इंडियन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक। हर अपने फाइल्स मैनेजर में आके देख सकते हैं हर चीज़, आप पूरा फील ले सकते हैं अपनी डिस्ट्रो का, अपनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। हम एप्लीकेशन में जाके जो ऐप्स हैं वो सब ट्राई कर सकते हैं गाइस। अगर आप फ़ोन पे तो इससे फील ले ही सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आप डेफिनेटली आप कंप्यूटर में यूज़ कीजिए। आप कंप्यूटर का प्रोसेस भी पूरा वही है, आपको बस वेबसाइट पे जाना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उठा लीजिए जो भी आपको उठानी है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जैसा मैंने बोला, लेकिन ब्राउज़र में बहुत ज़्यादा लैग करता है, इसलिए ब्राउज़र मैंने इसे आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे आप कंप्यूटर भी आप VNC क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप एक रेमिना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये RDP वगैरह और VNC वगैरह के लिए होता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वही प्रोसेस करना है जो मोबाइल में करते थे। आपको IP डालनी, उसका कोलन ला के पोर्ट डालना, और आप जब कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा और आप यूज़ कर पाएंगे। और गाइस कंप्यूटर में यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स ये देखने को मिल सकते हैं कि आप क्वालिटी बेटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। आप यहाँ पे कलर्स इसके जो है वो ट्रू 32 बिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग में जाकर कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और क्वालिटी बेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन आपको जो क्वालिटी होगी वो अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बेस्ट करके अगर मैं दोबारा दूसरी OS ट्राई करूँ, यहाँ पे ज़ोरिन OS, तो आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी ज़्यादा सही लग रही है और यहाँ पे कलर्स वगैरह हर चीज़ सही है। आप पूरा फील ले सकते हो सो OS का अपने कंप्यूटर के अंदर। ऐसे ही आप अपना फ़ोन में भी कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा एडवांटेज है। लेकिन आप अगर नहीं आपके पास PC, तो आप मोबाइल में फील कर सकते हो, अपने लिनक्स को फील कर सकते हो। कोई सी भी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने बोला 200 से ज़्यादा अवेलेबल है इस वेबसाइट पर, आप कोई सी भी ट्राई कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो वैसे अगर आप एक लिनक्स यूज़र हो या आप लिनक्स को जानते हो तो ये बहुत ज़्यादा सही वीडियो रही होगी आपके लिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो इस वीडियो को। तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना, कैसे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पे। और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।